आखिरकार इस अनोखी चीज का नाम मैंने सीख ही लिया। और मेरी ड्यूटी में तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो सुबह सुबह जब मैं अपने दूध की ड्यूटी पूरी करके घर लौटता हूँ तो पिताजी मुझे टॉपलिंग लेकर खेत पे बुला लेते हैं। आपके इतने सारे कमेंट पढ़कर मैंने इसका सही नाम सीख ही लिया। मैंने इसका नाम टॉपलिंग सही सीखा ना, कमेंट में बता देना। तो मैं टॉपलिंग को लेकर खेत पे पहुंच जाता हूं, क्योंकि मुझे अपने सोना किंग में कल्टीवेटर फंदवाना था। लेकिन ये क्या, कल्टीवेटर में तो पिताजी ने अपना काला धन बांधा हुआ है, तो मैं उसे कल्टीवेटर से छोड़ देता हूं। कल्टीवेटर फांदने से पहले पिताजी दोनों अपने काले धन को पानी पिला देते हैं, क्योंकि सुबह ठेल में पानी नहीं था इसलिए भैंसे पानी नहीं पी पाई थी। तो एक एक करके सभी को पानी पिलाकर उन्हें चारा भी डाल देते हैं। भैंसों का चारा पानी करके पिताजी अपने किंग सोना पर चढ़ जाते हैं और फिर मैं अपने किंग सोना में कल्टीवेटर फंदवा देता हूँ। फिर पिताजी किंग सोना को लेकर खेत में पहुंच जाते हैं और खेत में कल्टीवेटर निकालने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लहसुन थी और हमने खेत से लहसुन को निकाल लिया है। तो अब इस खाली जगह में कल्टीवेटर निकालकर भैंसों के लिए चारा फेंकेंगे, ताकि जब तक साइड में ये चारा लगा हुआ है ये खत्म होगा तब तक हमारा नया चारा उग जाएगा, जिससे भैंसों के लिए भी चारे की कमी नहीं होगी। बोलो जय श्री राम।